हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सरकारी कंपनी के बारे में जो आपको अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट स्टॉक है। जब भी आपको ऐसे स्टॉक सस्ते में मिले तो अभी आपको बाय करना चाहिए, ना कि जब अच्छे कंपनी के स्टॉक आपको महंगे दाम पे मिले तो ख़रीदना चाहिए। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास पैसा है, अभी आप बाय कर सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे दिन तभी आते हैं, ऐसे सिनेरियो तभी आते हैं, तभी आपको उसमें बाय करना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। जब मार्केट क्रैश हो या मार्केट कुछ गिरे 10-15% या 5-6%, तभी आपको ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो मार्केट जब ऊपर जाए तो आपको पैसा बचा के रखना चाहिए अपने बैंक में, फिर जब मार्केट नीचे आए, जब सब लोग बेचना शुरू करें, तब आपको बाय करना चाहिए। आपने देखा होगा कोविड में जिन्होंने ऐसा किया था उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। बट अभी आपके पास भी चांस है, क्योंकि अभी मार्केट 5-6% नीचे चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक 10-15% नीचे चलेंगे। तो अभी आपके पास मौका है कि ऐसे स्टॉक में आप पैसा लगा के आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। थोड़ा आपको दिलेरी दिखाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और आने वाले समय में मार्केट रिकवर होगा। मैं आपको बता दूं, कोरोना से भी मार्केट 50% गिरने के बाद भी मार्केट रिकवर हो गया। तो ये तो अभी वार है, ये 2-3 दिन का खेल है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये सब आते रहते हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, और ऐसे मौके में ही आपको पैसा लगाना चाहिए। जो अभी लगाएगा कुछ आने वाले दिनों में, 1 महीने के अंदर ही देखना उसका पैसा डबल हो जाएगा। तो मैं बात करूँ इस स्टॉक के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक 1 साल के अंदर 32% का रिटर्न तो प्रोवाइड ही कर दिया है। इतना गिरने के बाद भी 32% का रिटर्न प्रोवाइड भी कर दिया है। एंड जो शेयर प्राइस का है, ये आप लोग देख सकते हो 774 रुपये का ये मिल रहा है अभी। बट इसमें जो मेन बात है, ये अभी स्टॉक जो है अपने हाई से आपको 12-13% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अभी इसमें आपको एंट्री बनाना चाहिए। जब भी ये स्टॉक आपको 770 रुपये का मिले तो आपको बाय करना चाहिए। 770, 765 रुपये का, 760 रुपये का, जब भी ये स्टॉक आपको मिले तो धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी आप इंक्रीज करो। जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे जाए, वैसे वैसे आपको इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी बाय करना चाहिए। एंड मैं बात करूँ इसके थोड़ा फंडामेंटल के बारे में, मार्केट कैप के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो मार्केट कैप इसका कितना है, 6.86 लाख करोड़। तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6.86 लाख करोड़ रुपया इसके पास है मार्केट कैप। एंड जो बाउंड वीक में हाई बनाया था वो 912 रुपये का हाई बनाया था, एंड बाउंड वीक में जो लो बनाया था वो 543 रुपये का लो बनाया था। और सबसे अच्छी बात, ये डिविडेंट यील्ड भी प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट 1.77% का डिविडेंट यील्ड भी प्रोवाइड करता है, डिविडेंट भी प्रोवाइड करता है। तो ये तो और बेनिफिट है आपको, ये स्टॉक अभी सस्ते में मिल रहा है तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए इसमें। और मैं कंपनी का नाम बताऊँ तो आपको ये कंपनी पता ही होगा, इसमें आपका बैंक खाता भी खोल रखा होगा आप लोगों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, अभी आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, आपको सस्ते में मिल रहा है, तो इसमें ज़रूर आपको बाय करना चाहिए। धीरे धीरे करके क्वांटिटी को इसमें इंक्रीज करना चाहिए। जब भी ये 750 पे मिले तो और क्वांटिटी बाय करना चाहिए। यदि मार्केट और ज़्यादा गिर जाता है, यदि 700 पे ये आ जाता है स्टॉक, तो भी तब और ज़्यादा आपको इसमें बाय करना चाहिए।